तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनी के विषय के नॉलेज में। गाइस सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करा जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फैसला ले लिया है, पर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस तय की गई है। गाइस जो फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आइए आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जिसमें बताया गया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, वो सारे प्रमोट होंगे। गाइस किसी को भी नहीं रोका जाएगा। आप ये नोटिस दिया हुआ है, इसमें गाइडलाइंस है, आपको पूरे नोटिस दिखाएंगे। चलिए वीडियो की फिर शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पूरी गाइडलाइंस बताई गई हैं आपको, क्या से क्या क्या करना होगा, असाइनमेंट होंगे पर कैसे कंडक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस आपको शुरू करता हूँ। इसमें गाइस सबसे पहले ये बताया गया है कि COVID-19 पेंडेमिक फैल रहा है, यानी कि कोरोना वायरस फैल रहा है, उसमें देखते हुए हम आपके पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते, जिसके लिए हम कोई अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ रहे हैं आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो अल्टरनेटिव तरीका क्या है, इसमें बताया गया है पहले पॉइंट में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपके असाइनमेंट होंगे गाइस उसमें उसके बेस पर आपको 50% मार्क्स, और जो आपके प्रीवियस ईयर का सेमेस्टर मोड था या फिर एनुअल मोड था जो भी, तो गाइस उन उसके बेस पर आपको 50% मार्क्स दिए जाएंगे। और गाइस जो दूसरा पॉइंट है उसमें यह बताया गया जिन स्टूडेंट्स का कोई प्रीवियस कोई मुआ नहीं, जैसे मान लीजिए कुछ ही नहीं हुआ, जैसे कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, कोई असाइनमेंट नहीं हुआ, तो गाइस उनके लिए इसमें यह बताया गया उनको 100% असाइनमेंट के बेस पे यानी इवेल्यूएशन के बेस पे ही उनको पास करा जाएगा, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए प्रमोट किया जाएगा। और इसके लिए गाइस दोनों पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया। और अब जो आगे का नीचे के पॉइंट्स है गाइस, इसमें बताया गया प्रोड्यूसर विल बी फॉलो फॉर द एनुअल मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर यूजी स्टूडेंट विद द रेफरेंसी टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ लर्निंग एंड नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड एंड अदर्स फ्यूदर प्रोड्यूसर फॉर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पी जी रजिस्ट्रेशन विद SOL एंड नॉन कॉलेज वेब। तो गाइस इसमें यही बताया गया कि जो ये आपका पूरा प्रोसीजर है, जो इसमें अभी आने वाले 9 पॉइंट में आपको बताऊंगा, वो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो UG के हों चाहे फिर नॉन कॉलेज के हों या फिर SOL के हों, उनसे जुड़े हुए गाइस सेकेंड ईयर के, और ये PG के जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लागू होंगे। तो गाइस इसमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया यही है कि आपको 50% मार्क्स तो आपको असाइनमेंट के बेस पे दिए जाएंगे और 50% मार्क्स आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर के बेस पे दिए जाएंगे। और दूसरे पॉइंट में गाइस इसमें यह बताया गया ऑल स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट, सभी को अपना असाइनमेंट गाइस सबमिट करना होगा एज पर द शेड्यूल फॉर नोटिफाई बाय द SOL और नॉन कॉलेज की वेबसाइट पर। क्वेश्चन होंगे इसमें गाइस, क्वेश्चन बेस्ड होगा, क्वेश्चन पर आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन के आधार पर। और गाइस तीसरे पॉइंट में इसमें बताया गया आपका जो शेड्यूल टाइम वाइम होगा वो SOL की वेबसाइट पर, SOL और नॉन कॉलेज की वेबसाइट पर डाला जाएगा, वहाँ पे इसकी पूरी गाइडलाइंस होंगी जो आपको देखनी होंगी। और चौथे कुछ पॉइंट में बताया गया ऑल क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन बाय लिंग्विल, यानी कि इसमें यह बताया गया कि जो आपका जो असाइनमेंट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जो आपको सूट करे सूटेबल हो वो आप कर पाएंगे। पाँचवें में बताया गया गाइस जिसमें स्टूडेंट शैल सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन द पोर्टल नोटिफाइड, और गाइस जिसमें जो SOL और नॉन कॉलेज की द्वारा आपका जो पोर्टल नोटिफाइड किया जाएगा आपको उसी पे ही अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। और इस छठे पॉइंट में गाइस आपको बताया गया कि यहाँ पे एक आपको एक आधारित टाइम दिया जाएगा, एक आधारित जैसे एक हफ्ता दो हफ्ता आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, ये मोड पे गाइस आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाएंगे, एक से दो हफ्ता मतलब आपको टाइम दिया जाएगा। और गाइस इसमें सातवें पॉइंट में बताया गया जो स्टूडेंट अगर अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, जो जैसे टाइम आएगा आपका 10 से 15 दिन, जो भी अगर उन्होंने सबमिट नहीं कर पाए तो गाइस उनके लिए अगस्त में उनको एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, उसके बाद उनको एक और चांस दिया जाएगा। और गाइस आठवें पॉइंट में बताया गया द मैटर ऑफ कैरी फॉरवर्ड शैल बी अलाउड फॉर द करंट एकेडमिक ईयर एंड एवरी स्टूडेंट शैल बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर, हाउ एवर सच स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच ही शी हैज़ फेल्ड रिमेंड एबसेंट एंड कैरी फॉरवर्ड पेपर वेन एग्जामिनेशन आर हेल्ड नेक्स्ट ईयर। तो गाइस इसमें यही बताया गया जो मान लीजिए इस अब जो भी हमारे जो दोस्त लोग होंगे जो सेमेस्टर मोड के हैं या फिर उनको प्रमोट किया जा रहा है जिनके भी अब असाइनमेंट होंगे गाइस, उनमें भी अगर बाई चांस कोई फेल हो जाता है या फिर तो अगर हो जाता है ऐसा होना पर अगर हो जाता है तो गाइस उनको भी एक मौका दिया जाएगा आपके लिए, उनको भी एक मौका और दिया जाएगा, वो भी नेक्स्ट ईयर वो उनको मौका मिलेगा। ऑल दिस स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स इन सक्सेसिव ईयर। तो गाइस यही बताया गया आखिरी पॉइंट में भी कि उनको एक मौका दिया जाएगा अगले साल अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए, खुदा ना खास्ता अगर कोई फेल हो भी जाता है असाइनमेंट मोड में भी। और गाइस इसके बाद बताया गया जो भी हमारे एक्स स्टूडेंट है फर्स्ट सेकेंड ईयर के
उनके लिए तो गाइज यही है, जो ओपन बुक एग्जाम्स की गाइडलाइंस आ रखी हैं उनको तो उसके बेस पे ही अपना एग्ज़ाम देना होगा। और गाइज नीचे चलते हैं, इसमें बताया गया गाइज वो स्टूडेंट फोर स्टूडेंट्स ऑफ SOL फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जिन्होंने गाइज एग्जाम 2019 में न्यू एडमिशन लिया था, यानी सेमेस्टर मोड में आए थे जो बच्चे, क्योंकि पिछले साल से ही आए गए सेमेस्टर मोड। तो गाइज जो हमारे फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर है उनका तो अभी तक गाइज एग्जाम ही नहीं हुआ। अब जो ये चार पॉइंट होंगे उनके लिए होंगे गाइज, कि उसमें क्या क्या बताया गया, अब मतलब उनका क्या क्या होगा इसमें बताया गया। तो गाइस शुरू करते हैं, पहला पॉइंट है गाइस, तो पहले पॉइंट में यही बताया गया आपका कि आपके 100% जो मार्क्स होंगे वो आपको इवैल्यूएशन के बेस्ड पे ही दिए जाएंगे। आपको इवैल्यूएशन होगा मतलब असाइनमेंट होंगे, उसी के बेस्ड पे आपको एग्ज़ाम अपने जो मार्क्स होंगे ग्रेड होंगे वो दिए जाएंगे। स्टूडेंट शैल बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर सेपरेटली। तो गाइज इसमें ये बताया गया जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के होंगे वो आपके सेपरेटली होंगे, यानी दोनों सेमेस्टर के आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ऑल सच रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन अ ग्रेड्स एज पर द CBSE रूल्स। जो आपका रिजल्ट होगा गाइज वो CBSE के रूल के आधार पर तैयार किया जाएगा। और आखिरी पॉइंट में ये बताया गया स्टूडेंट हु हैव अरीज मार्क्स एज असेंशियल रिपीट एंड दूज स्टूडेंट हु विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड शैल बी अलाउड एज पर द साइकिल ऑफ सेमेस्टर। तो भाई इसमें भी यही बताया गया, अगर मान लीजिए जो कोई भी बच्चा अगर जो बाई चांस सेमेस्टर मोड में या असाइनमेंट में भी फेल हो गया तो उनको चांस दिया जाएगा अगले साल। अगर मान लीजिए कोई सेमेस्टर वन में फेल होता है तो उसको भाई जनवरी 2021 में उसको चांस मिलेगा, और जो मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट में कोई फेल होता है तो उसको मिलेगा मई जून 2021 में। तो भाई यही थे आपके चारों पॉइंट, और जो फर्स्ट ईयर और जो हमारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे एनुअल मोड के और जो सेमेस्टर मोड के थे SOL के उनके लिए गाइज पूरे नोटिफिकेशन था, गाइडलाइंस थी, मैंने आपको समझा दिया गाइज। अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से जल्दी से जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए, बताइए मुझे ताकि मैं आपका वो डाउट ले सकूं। और मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन गाइज शुभ हो, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा।